गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए बात करेंगे, आज हम आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके जो प्रीवियस ईयर्स के कुछ एग्ज़ाम पेपर्स जो आए हुए हैं उनको डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका कोर्स चेंज हो गया था, तो एक पिछले साल 2019-20 का जो पेपर है जो मैंने यहाँ दिखा रखा है आपको, 2019-20 का, बस ये एक ही पेपर है। इसके अलावा जो पहले के थे वो सारे कोर्स चेंज हो गया था उसके बाद, तो अभी ये लेटेस्ट जो है आपका एक ही हुआ था। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पुराने पेपर भी मैं आपको करवाऊंगा, उसमें जो चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है सिर्फ उन क्वेश्चनों को अपने छोड़ देंगे। पहले तो इसकी बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आया था, सॉरी पिछले साल जो आया था, और जो आपका कंप्लीट जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। क्या होता है क्या नहीं आपको पता ही है, क्योंकि 2 साल से पेपर दे रहे हो, किस टाइप का पेपर आता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप्स की, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है, यहाँ पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक में फर्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ होली होक टिंज्ड बग, यानी कि होली होक टिंज्ड बग जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम है यूरेंटियस यूरोनिमस। ठीक है, यूरेंटियस यूरोनिमस। अब इसके अलावा आपसे हो सकता है इसकी फैमिली पूछ ले या इसका ऑर्डर पूछ ले। तो इसकी फैमिली की अगर बात करें तो इसकी फैमिली होती है टिंजिडी। ठीक है, टिंजिडी फैमिली होती है। और ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर होता है इसका हेमिप्टेरा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना भाई। फिर इसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ जैस्मिन बर्डवर्म। जैस्मिन बर्डवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका नाम है हेंड्रिकेसिस डुप्लीफेजियलिस। ठीक है, ये नाम याद कर लेना भी, बाकी ये पेपर मैं आपको भेज दूंगा एज इट इज़, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना भी, क्योंकि जब तक आपको साइंटिफिक नेम याद नहीं होंगे, उनकी फैमिली याद नहीं होगी, आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट अधूरा रहेगा। इसका रीज़न है कि जो ऑब्जेक्टिव वाले आपके 30 क्वेश्चन जो आएंगे पार्ट ए वाला, है ना, फिल इन द ब्लैंक, ऑब्जेक्टिव और ट्रूफल्स तीनों, उनमें मोस्टली आपसे पूछा जाएगा साइंटिफिक नेम, उसकी डैमेजिंग स्टेट या फिर उसकी फैमिली और ऑर्डर। नेक्स्ट देखिए, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है द डैमेजिंग स्टेज ऑफ, अब यहाँ देखिए डैमेजिंग स्टेज पूछी है, डैमेजिंग स्टेज ऑफ फ्रूट सकिंग मोथ इन सिट्रस इज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो कॉमन सेंस है वो क्या कहता है कि फ्रूट सकिंग मोथ, तो यहाँ बात किसकी हो रही है, मोथ की। इसका मतलब ये जो पेस्ट है वो कौन से ऑर्डर का है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया, जब जब हर एक पेस्ट करवाया मैंने आपको बोला है कि बटरफ्लाई या मोथ जो है वो कौन से ऑर्डर में आते हैं, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने दिमाग में आएगा कि ये जो है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का पेस्ट है, और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के पेस्ट की खास बात क्या होती है, कौन सी स्टेज नुकसान पहुँच जाती है, सिर्फ कैटरपिलर। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ इसीलिए आपको पूछा है क्योंकि ये जो है इस पेस्ट की एडल्ट स्टेज जो है, ठीक है, एडल्ट स्टेज जो है, या बात करूँ मैं प्रौढ़ अवस्था जो है वो नुकसान पहुँचाती है, इसीलिए इसने आपको पूछा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि फ्रूट सकिंग मोथ जो है इसका लाइफ साइकिल मैं आपको बता दूं, ये क्या करता है, पहले एक अल्टरनेट होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है, जब तक इसकी एडल्ट स्टेज ना आ जाए। ठीक है, आपने गिलोय का नाम सुना होगा, गिलोय की बेल जो होती है ना, मोस्टली फीवर वगैरह में काम लेते हैं उसको, तो उस जो बेल होती है उसके ऊपर ये रहता है। ठीक है, इसकी एगलिंग वहाँ पर होती है, इसकी लार्वल स्टेज वहाँ पर रहती है पूरी, जब वहाँ प्रोड डेवलप हो जाता है उसके बाद ये क्या करता है, नज़दीक का कोई भी जो भी आसपास जो बगीचा होगा, ऑर्चर्ड होगा, वहाँ पे जाके उसको फ्रूट जो होता है उनके अंदर इंटर होके उसको नुकसान पहुँचाता है भी, है ना। तो ये इसकी खास बात है, इसीलिए इसने यहाँ पे पूछा है, क्योंकि जनरली हमें पता है मौत किस में आते हैं, जो है वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में। फिर नेक्स्ट है द कॉमन नेम ऑफ ओपिसिना एरेनोसेला। अब यहाँ पे इसने आपको साइंटिफिक नेम दे दिया, ठीक है, ओपिसिना एरेनोसेला, और पूछा है कि ये जो है इस पेस्ट का कॉमन नेम क्या है। तो ध्यान रखना, इसका कॉमन नेम है जो कोकोनट का ब्लैक हेडेड कैटरपिलर होता है, उसका नाम है ये ब्लैक हेडेड कैटरपिलर, कोकोनट का ब्लैक हेडेड कैटरपिलर जो है उसका साइंटिफिक नेम है ये ओपिसिना एरेनोसेला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूपेशन ऑफ मेज स्टेम बोरर इज टेक प्लेस, इनकी मेज स्टेम बोरर जो है उसका प्यूपेशन कहाँ पे होता है, ये पूछा गया आपसे। तो इसका प्यूपेशन कहाँ होता है, इसका होता है स्टेम के अंदर, विद इन स्टेम, तने के अंदर ही होता है,
तने में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना भी, जनरल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा। फिर है सिट्रस साइला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग वायरस, तो यहाँ इसने बता दिया कि सिट्रस साइला जो है वो एक वायरस फैलाता है, ठीक है, एक वायरस को स्प्रेड करता है, एज ए वेक्टर काम करता है ये, तो वो कौन सा वायरस फैलाता है ये आपको उस वायरस का, आपसे उस वायरस का नाम पूछ रहा है, तो ध्यान रखना ये होता है ग्रीनिश वायरस, ग्रीन वायरस बोलते रहते हैं, ग्रीनिश वायरस, ठीक है, ग्रीनिश वायरस को स्प्रेड करता है, ग्रीनिश वायरस को फैलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्वा ऑफ एथेरिगोना सोकाटा, अब यहाँ पे इस नाम से समझ में आना चाहिए कि इसने दे रखा है एथेरिगोना सोकाटा, इसका मतलब ये किसका साइंटिफिक नेम है, तो ये है सोरगम का सूट फ्लाई, सोरगम की जो सूट फ्लाई है उसका नाम है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है द लार्वा ऑफ एथेरिगोना सोकाटा, किसका जो लार्वा है कट द ग्रोइंग पॉइंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, की जो टॉप वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, ग्रोइंग हिस्सा होता है जो, उसको कट कर देता है और क्या बनाता है, देखिए एथेरिगोना सोकाटा का लार्वा वृद्धि वाले हिस्से को काट कर बनाता है, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या बनाता है, ठीक है, तो ये बनाता है डेड हार्ट, ध्यान रखना, ठीक है, ये डेड हार्ट बनाता है। अब इसको मृत हृदय मत लिख देना भाई, को हिंदी में डेड हार्ट का मतलब डेड हार्ट होता है, कहीं आप लिख दो इसको मृत हृदय, मरा हुआ दिल, ऐसा कुछ नहीं है अभी, ठीक है ना, डेड हार्ट बनाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राइस टुंग्रो डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई, कि राइस का जो टुंग्रो डिजीज है वो किससे फैलता है, इसका मतलब राइस का कोई एक ऐसा पेस्ट है जो टुंग्रो वायरस को फैलाने का काम करता है, अब आप ये जो है आपसे उसका नाम पूछ रहा है, ठीक है, राइस टुंग्रो धान का टुंग्रो रोग जो है वो के द्वारा फैलता है, तो ध्यान रखना ये फैलता है ग्रीन लीफ ऊपर से, दो प्रकार के लीफ ऊपर लगते हैं राइस के अंदर, एक ग्रीन लीफ ऊपर होता है, एक होता है ब्राउन लीफ ऊपर, तो ग्रीन लीफ ऊपर जो है वो इसको फैलाता है अभी, है ना, राइस टुंग्रो वायरस को। फिर नेक्स्ट है ट्राइबोलियम कैस्टेनम बिलोंग्स टू फैमिली, की ट्राइबोलियम कैस्टेनम जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये फैमिली टेनिब्रियोनिडी से बिलोंग करता है, ठीक है, ट्राइबोलियम कैस्टेनम अभी हमें पता होना चाहिए कि है क्या, ठीक है, ट्राइबोलियम कैस्टेनम जो है सही में ये है क्या हमें पता होना चाहिए, तो आपने एक हिंदी में नाम सुना होगा जो घरों में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम, इली, है ना, वैसे इसको बोलते हैं रेड रस्ट फ्लोर बीटल, रेड रस्ट फ्लोर बीटल, तो रेड रस्ट फ्लोर बीटल जो है उसकी फैमिली पूछी है, तो टेनिब्रियोनिडी उसकी फैमिली होती है और कोलियोप्टेरा उसका ऑर्डर होता है, ध्यान रखना अभी। फिर है स्केलेटोनाइजेशन ऑफ ब्रिंजल लीव्स कॉज्ड बाई, यानी कि बैंगन की जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह उनकी छलनीकरण हो जाता है, ये किस पेस्ट की वजह से होता है, तो उस पेस्ट का नाम पूछा है, वो होता है एप्लीकेना बीटल से, ठीक है, एप्लीकेना बीटल की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ये आपके जो फिल इन द ब्लैंक वाले 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी स्टार्ट हो रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 क्वेश्चन है, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि विच ऑफ दी फॉलोइंग, एक मिनट में इसको ऊपर कर देता हूँ पूरा, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए मेजर स्टोरेज पेस्ट ऑफ पल्सेस, कि इनमें से कौन सा है जो दलहनी फसलों का मुख्यतः जो है पेस्ट है, मेजर स्टोरेज पेस्ट ऑफ पल्सेस, यानी कि दालों को भंडारण करने में लगने वाला सबसे बड़ा जो है मेजर पेस्ट वो पूछा है, तो सबके नाम दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉमन नेम किसी का नहीं दे रखा, कॉमन नेम किसी का नहीं दे रखा, इसका मतलब आपको साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए, और ख़ास तौर से आप जो स्टोरेज वाले पेस्ट हैं आप ये मान के चलिए कि आपका 100 नंबर का जो आता है पेपर उसमें से कम आप मान के चलिए 25-30 नंबर के आसपास तो आप मान के चलिए स्टोरेज पेस्ट से आ जाएगा। अगर आपको स्टोरेज पेस्ट अच्छे से याद है तो इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन 15 नंबर का हर हाल में आता है, ऑब्जेक्टिव इससे आते हैं, छोटे क्वेश्चन भी इससे ज़रूर आते हैं। तो विच ऑफ दी फॉलोइंग ए मेजर स्टोरेज पेस्ट पूछा है पल्सेस का, तो ये होता है केलोसोब्रुकस चाइनेंसिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं पल्स बीटल, इसका कॉमन नेम क्या होता है पल्स बीटल, केलोसोब्रुकस चाइनेंसिस, तो ये ध्यान रखना भी, ये सारे याद होने बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट है प्यूपल स्टेज ऑफ, ये मैं यहीं पे टिक लगा रहा हूँ भी, है ना, ध्यान रखना, ये आगे कुछ नहीं लिख रहा मैं। फिर है प्यूपल स्टेज ऑफ मैंगो स्टेम बोरर लास्ट 4, कि मैंगो स्टेम बोरर जो पेस्ट है उसकी प्यूपल जो स्टेज है वो लास्ट कितने मंथ तक की हो सकती है, मंथ में दिया हुआ है, ठीक है, तो वैसे नॉर्मली देखा जाए तो उसको ये माना जाता है कि 5 से 7 मंथ की होती है, लेकिन
यहाँ पे सिक्स ऑप्शन है, तो वो 6 मंथ की या 6 महीने की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इतनी लंबी किस वजह से होती है, क्योंकि ये जो स्टेज है, इस स्टेज में वो किस में रहता है, वो जो है सुषुप्तावस्था में, हाइबरनेशन में रहता है, ठीक है। यानी कि ये जो है प्यूपल अवस्था में क्या है, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम हो तो इस अवस्था में ये लंबे समय तक, 6 महीने तक क्या है, डोरमेंट रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, बेगिंग इज मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स फॉर, कि बेगिंग एक प्रक्रिया है, ठीक है, थैली बांधना, हिंदी में इसको दे रखा है थैली बांधना, कि बेगिंग जो है वो एक मोस्ट अफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स है, कौन से पेस्ट के लिए काम में लिया जाता है। तो मैंने आपको जब करवाया था उस समय बताया था कि अनार की जो बटरफ्लाई होती है, वीरोकोला आइसोक्रेटस, इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, मान लीजिए ठीक है, ये फ्रूट है ना, ये फ्रूट है, तो इस फ्रूट के बाहर ऐसे यहाँ पर क्या करते हैं हम, थैली बांध देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये जो बटरफ्लाई होती है इसकी, ये क्या करती है, यहाँ पे इसकी स्किन के ऊपर जो है, इसके स्किन के अंदर ओविपोजिटर को इंटर करके एगलिंग करती है, ठीक है। तो हम अगर थैली बांध देंगे तो इससे क्या होगा कि वो इस थैली की वजह से उस फ्रूट की स्किन में एगलिंग नहीं कर पाती है, तो वो फ्रूट जो है वो सेफ रहता है, और अनार का पौधा होता भी छोटा है। अब मैंगो की बात करें तो मैंगो का ट्री इतना बड़ा होता है, तो उस पर फ्रूट्स पे थैली बांधना पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि अनार का छोटा होता है, तो यहाँ पे पॉसिबल होता है। तो अनार बटरफ्लाई जो है इसके लिए क्या करते हैं हम, बैगिंग की जाती है फ्रूट्स की। फिर नेक्स्ट है एप्रोकार्प, फिश मील इज यूज्ड टू अट्रैक्ट विच पेस्ट, तो फिश मील का पूछा है कि फिश मील है जो कौन से मछली की खाद या उसको चूरा बोल सकते हैं, वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो ये जब पेस्ट मैंने आपको करवाया था उसमें बताया था कि इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये होता है सूट फ्लाई में, ठीक है, सोरगम की जो सूट फ्लाई होती है, एथेरिगोना सोकाटा, और इससे से भी बहुत ज़्यादा क्या है क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर, एक तो मेज का स्टेम बोरर और एक सोरगम की सूट फ्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे सोरगम की सूट फ्लाई है, हम क्या करते हैं फील्ड के अंदर एक गड्ढा बनाते हैं, और ज़मीन के अंदर क्या है थैली में मछली की खाद का चूरा जो है, फिश मील जो है, वो उसके अंदर रख देते हैं, ये क्या है ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं, अब क्या होगा इसको यहाँ तक भर देते हैं पानी के साथ, इसके अंदर क्या रहता है वो फिश मील रहता है। तो इसकी खुशबू की वजह से क्या होगा कि जो शूट फ्लाई जो होती है वो इसके तरफ अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए सोरगम के प्लांट हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये आसपास वाले जो पौधे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब ये यहाँ इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, तो आसपास के प्लांट पे रहेगी, तो यहाँ पे क्या है फिर हैंड नेट या स्वीप नेट है, उससे हम इनको पकड़ के और आसानी से किल कर सकते हैं, ठीक है, या इन पे डायरेक्ट स्प्रे करके इनको मार सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, फिश मील किसके लिए यूज होती है, मेनली सोरगम की सूट फ्लाई के लिए। फिर है सीटोफिलस ओराइजी बिलोंग्स टू फैमिली, पूछा है कि सीटोफिलस ओराइजी जो है वो कौन सी जो है फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें इसे इसका कॉमन नेम पता हो तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इसका कॉमन नेम। सबसे पहले सीटोफिलस ओराइजी, ये होता है राइस वीविल, राइस का वीविल, ठीक है। अब राइस वीविल है, अब वीविल कौन से ऑर्डर में आते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि बीटल्स और वीविल जितने भी होंगे वो कौन से ऑर्डर में आएंगे, कोलियोप्टेरा ऑर्डर में आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो कोलियोप्टेरा ऑर्डर में अगर इसकी बात करें वीविल की स्पेशली, क्योंकि वीविल है और वीविल जितने भी आपके सिलेबस के अंदर है सबकी कौन सी फैमिली होती है, एक ही फैमिली होती है कुरकुलियोनिडी, कुरकुलियोनिडी। वीविल जहाँ भी दिख जाए उसकी फैमिली पूछे, चाहे आगे राइस का हो या किसी मर्जी क्रॉप का हो, वो क्या होगी कुरकुलियोनिडी उसकी फैमिली होगी। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो मैं इसीलिए आपको बार बार हर पेस्ट करवाते समय ये बताता था, देख लेना भी पेपर का लेवल, इसी लेवल का एग्जाम में आपके आएगा भी, है ना। फिर नेक्स्ट है होपर बन सिम्टम इन कॉटन लीव्स इज ड्यू टू अटैक ऑफ विच इंसेक्ट, कि कॉटन के अंदर होपर बर्न जो सिम्टम है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हिंदी में भी होपर बर्न ही लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि हिंदी की बजाय इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान दिया करो। तो होपर बर्न सिम्टम पूछा है कॉटन के अंदर लीफ में कौन से पेस्ट की वजह से होता है, तो ये होता है जेसिड की वजह से, या इसको होपर भी बोल देते हैं। अब इसने होपर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा,
क्योंकि अगर होपर लिख देता तो आपको तुरंत पता चल जाता कि होपर बन तो होपर की वजह से होगा, इसलिए इसने क्या है यहाँ पे जेसिड जो है वो नाम दिया है, तो ध्यान रखना ना। फिर नेक्स्ट है विरोकोला आइसोक्रेटस ले एग्स इन। अब यहाँ ध्यान रखिए ये कौन सा पेस्ट है, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले हमने बात की थी बैगिंग के समय है ना, तो विरोकोला आइसोक्रेटस किसका नेम है, ये जो अनार की बटरफ्लाई है, ठीक है, किसका नाम है अनार की बटरफ्लाई का, अनार बटरफ्लाई का नाम है। तो इसकी एगलिंग कहाँ होती है, कैलेक्स में, यानी कि फ्लोवरिंग जब हो रही होती है तो फ्लोवरिंग के बाद जब फ्रूट बनते हैं उससे पहले जो फ्रूट का, मान लीजिए ये फ्लोवर है ना, तो ये जो बेस वाला हिस्सा जो होता है ना, सुना होगा आपने ना कैलेक्स, कैलेक्स कोरोला है ना, ऐसे करके अलग अलग जो है इसको बांटा जाता है फ्लोवर की, अगर हमने एनाटॉमी पढ़ी हो उस समय। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है एगलिंग कहाँ होती है, कैलेक्स वाले पार्ट पे होती है। फिर नेक्स्ट है एंगुमोइस ग्रैंड मॉथ बिलोंग टू फैमिली। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये क्या है, एक स्टोरेज पेस्ट है, एंगुमोइस ग्रैंड मॉथ ये क्या है, स्टोरेज पेस्ट है, और एकमात्र स्टोरेज पेस्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एकमात्र स्टोरेज पेस्ट है जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का है, ठीक है, एकमात्र पेस्ट है जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का है, बाकी जितने भी आपके स्टोरेज पेस्ट है सारे कौन से ऑर्डर के हैं, कोलियोप्टेरा ऑर्डर के। तो यहाँ पे एंगुमिस क्योंकि ग्रैंड मॉथ दे दिया तो मॉथ से हमें पता चल जाएगा किसका है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का। और अगर आपको फैमिली की पहचान है तो आप देखोगे कि कुरकुलियोनिडी विविल की फैमिली होती है, यानी कि कोलियोप्टेरा, डर्मेस्टिडी भी कोलियोप्टेरा ऑर्डर की एक फैमिली है, टेनिब्रियोनिडी भी क्या है कोलियोप्टेरा ऑर्डर की एक फैमिली है, तो एकमात्र फैमिली बचती है गैलेचिडी जो किसकी है, एंगुमोइस ग्रैंड मॉथ की। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफोलिएशन एंड माइनिंग ऑफ कैबेज लीव्स आर द डैमेजिंग सिम्टम ऑफ। डिफोलिएशन का मतलब क्या होता है, लीफ का झड़ना, यानी कि पत्तियों का झड़ना, पत्ते झड़ना व पत्तियों में सुरंग बनना, माइनिंग का मतलब क्या होता है, सुरंग बनना, ये किस कीट की पहचान है, और यहाँ पे आपको इसने ऑप्शन में दे दिया कैबेज, ठीक है। अब यहाँ देखो हिंदी में, जब इंग्लिश में, हिंदी में देखिए सिर्फ लिखा हुआ पत्ते झड़ना व पत्तियों में सुरंग बनना किस कीट के लक्षण है, जबकि इसमें थोड़ा सा उसने डिस्क्राइब करके आपको एक ऑप्शन दे दिया कैबेज लीव्स का। तो यहाँ देखिए इंग्लिश में आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि लगभग सिम्टम जो है वो रेड पम्पकिन बीटल के भी यही होते हैं और डायमंड बैक मॉथ के भी यही होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि रेड पम्पकिन बीटल जो होता है ये जो कुकुरबिट्स जो होती है ना, लौकी कद्दू वगैरह उनके अंदर होता है, जबकि डायमंड बैक मॉथ जो है वो क्रूसीफेरी फैमिली के जो होते हैं, सरसों हो गए या फूलगोभी पत्ता गोभी वगैरह जो पेस्ट, सॉरी जो क्रॉप होगी उनके अंदर होता है। तो यहाँ से हमें क्या है थोड़ा हिंट मिल जाता है इंग्लिश में, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा दोनों लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ो तो और भी बेटर है, डायमंड बैक मॉथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है राइस हिस्पा बिलोंग टू फैमिली, कि राइस हिस्पा जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी फैमिली आपसे पूछी है, तो क्राइजोमेलिडी जो है इसकी फैमिली है। फिर नेक्स्ट देखिए भाई, अब है आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं है ना, एक एक ट्रू फॉल्स, एक नंबर का 10 नंबर के आएंगे, तो ट्रू फॉल्स बताने हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, कोर्सायरा सिफिलोनिका लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से संबंधित है, आपसे पूछा है कोर्सायरा सिफिलोनिका जो है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का एक पेस्ट है, ये सही बात है या गलत बात है ये आपको बताना है। तो कोर्सायरा सिफिलोनिका की अगर मैं बात करूँ कॉमन नेम की, ठीक है, तो इसका कॉमन नेम होता है राइस मील मोथ, या राइस मोथ भी बोल देते हैं ओनली, तो राइस मील मोथ। अब मोथ है तो इसका मतलब क्या है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है, ये बात जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए ट्राइबोलियम कैस्टेनम फीड ऑन होल ग्रेन। अब ट्राइबोलियम कैस्टेनम की हमने अभी ऊपर बात की थी, इल्ली जिसको बोलते हैं, या फिर रेड रस्ट फ्लोर बीटल। तो मैंने आपको जब स्टोरेज पेस्ट करवाए थे उस समय मैंने आपको इनका क्लासिफिकेशन करवाया था ना, और आपको जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड दिया है उसके अंदर भी ये मैंने विशेष तौर से दिया है, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ के लिख के याद कर लें। क्योंकि देखिए रेड रस्ट फ्लोर बीटल जो है ये जो है इसने पूछा है कि होल ग्रेन्स को फीड करता है, अब इनका जो है डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, क्योंकि मैंने आपको इनका एक क्लासिफिकेशन बताया था ना, कि स्टोरेज में जितने भी पेस्ट होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं किस आधार पे, एक तो होते हैं प्राइमरी, ठीक है,
और एक होते हैं सेकेंडरी। दो टाइप के पेस्ट होते हैं। प्राइमरी का मतलब क्या होगा, जो किसी एक स्वच्छ बीज के ऊपर पहली बार अटैक करेगा, यानी कि एक पूरा सीड है उसके ऊपर पहली बार अगर कोई इंसेक्ट अटैक कर रहा है तो वो किस में आएंगे, प्राइमरी में। सेकेंडरी में कौन से आएंगे, जो पहले से डैमेज हो रखे सीड के ऊपर डैमेज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए पहले से किसी ने डैमेज कर रखा है, अब उसके ऊपर कोई दूसरा जो पेस्ट है वो डैमेज कर रहा है, तो वो क्या आएंगे, सेकेंडरी में आते हैं। आपके सिलेबस में सेकेंडरी नहीं है। फिर प्राइमरी जो है इनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो प्राइमरी एक्सटर्नल फीडर, ठीक है, एक्सटर्नल फीडर, और एक होते हैं प्राइमरी इंटरनल फीडर। अब एक्सटर्नल और इंटरनल का तो आप आसानी से समझ जाओगे। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, जो सीड को बाहर से खाते हैं, ठीक है, पूरा, यानी कि ऊपर से जो खाते हैं। इंटरनल का मतलब क्या होता है, सीड के अंदर इंटर होने के बाद अंदर ही अंदर से उस सीड का जो है पोर्शन वो सारा खा जाता है, और बाहर से जो कोट है उसका आवरण है सीड का वो एजिटीज रहता है। तो बाहर से देखने पे तो सीड जो है वो क्या लगता है कि ये जो है प्योर है, सही स्वच्छ बीज है, लेकिन जब उसका वेट हम करते हैं तो वजन बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या, इसका रीज़न क्या होता है कि बीच वाला पोर्शन जो है वो इंसेक्ट खा जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेड रस्ट फ्लोर बीटल की, ट्राइबोलियम कैस्टेनम की। तो ये क्या है, होल ग्रेन फीडर है, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, प्राइमरी में एक्सटर्नल फीडर में, प्राइमरी फीडर्स में एक्सटर्नल फीडर का है उसके अंदर ही आता है। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, क्लासिफिकेशन को देख लेना। फिर नेक्स्ट है द बंची टॉप ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाई पायरिला। इसने दिया है कि शुगर केन का बंची टॉप जो है वो किससे होता है, पायरिला से होता है। ये पूछा है आपसे सही है कि गलत है, तो ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है, ट्रू कर दिया था ना इसमें, हाँ ठीक है, फिर है फॉल्स है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि शुगर केन का पायरिला जो है ये जो है डिजीज़ नहीं फैलाता, सॉरी डिजीज़ नहीं है, ये क्या है, एक करेक्टरिस्टिक सिम्टम है बंची टॉप। बंची टॉप में होता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि इंसेक्ट क्या करता है। सबसे पहले तो ये पायरिला से नहीं होता, फॉल्स है, ये होता है शुगर केन का जो टॉप बोरर होता है, शुगर केन टॉप बोरर से होता है, ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस से। तो इससे क्या होता है बंची टॉप में, कि ऊपर वाले फ्लावर जो होते हैं, है ना, फ्लावर के ये क्या करता है, फ्लावर के पास वाले हिस्से को काट देता है। काटने से क्या होगा, वो वहाँ से तो कट गया, डेड हर्ट बनता है, इससे डेड हर्ट बन गया। डेड हर्ट बनने के बाद क्या है, उसके आसपास वाली जो लीव्स होगी, मान लीजिए यहाँ पर इसने ये हिस्सा ख़राब कर दिया है ना, डेड हर्ट बन गया, तो इसके आसपास वाली लीव्स एकदम से यहाँ से निकल जाएगी, और निकलने के बाद इनका गुच्छा बन जाता है एक जगह, जिसको क्या बोलते हैं, बंची टॉप। तो ये किससे होता है, शुगर केन टॉप बोरर से होता है। फिर नेक्स्ट है द नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज, राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। ये आपसे कह रहा है कि ट्रू एक फॉल्स है, तो ध्यान रखना भी ये क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका में है, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है अभी, इसमें तो इतना कुछ ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है नहीं। फिर है बोथ ग्रब एंड एडल्ट स्टेज ऑफ खफरा बीटल हार्मफुल, यानी कि खफरा बीटल की दोनों जो अवस्थाएं हैं वो नुकसान पहुंचाती है, ये बात कहना चाह रहा है। तो ध्यान रखना भी ये क्या है, ट्रू है। अब इसमें क्या है, कई बार ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, क्योंकि दरअसल क्या है, इसका मोस्टली जो माना जाता है कि इसकी कौन सी स्टेज नुकसान पहुंचाती है, तो इसकी ग्रब स्टेज नुकसान पहुंचाती है मेनली ज़्यादा, लेकिन नुकसान दोनों स्टेज पहुंचाती है। अब इसने यह दे दिया कि बोथ ग्रब एंड एडल्ट आर हार्मफुल, तो ऑब्वियसली दोनों नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि कोलियोप्टेरा ऑर्डर है, और कोलियोप्टेरा ऑर्डर की जो है दोनों स्टेज जो होती है वो क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। फिर है डेड हर्ट इज कॉज्ड बाई सकिंग पेस्ट, ये कह रहा है कि डेड हर्ट जो बनता है, अभी देखने इसने हिंदी में भी डेड हर्ट लिखा है, इसको मृत हृदय नहीं लिखा है। फिर है डेड हर्ट इज कॉज्ड बाई सकिंग पेस्ट, यानी कि डेड हर्ट जो बनता है ये सकिंग पेस्ट से बनता है, यानी कि जो रस चूसने वाले जो इंसेक्ट्स पेस्ट होते हैं उनसे बनता है। तो ये क्या है, हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सकिंग पेस्ट से नहीं, बल्कि क्या है, जो फीडर्स होते हैं, और मेनली क्या है, जो इंटरनल फीडर्स होते हैं, या जिनके बात करें बाइटिंग एंड चेबिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो ही क्या करते हैं, डेड हर्ट बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है ग्राम पॉडबोरर बिलोंग्स टू फैमिली नोक्टुइडी। ये कह रहा है कि ग्राम पॉडबोरर जो है वो नोक्टुइडी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ग्राम पॉडबोरर क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है ग्राम के अंदर, तो इसको ग्राम पॉडबोरर बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉटन क्रॉप के अंदर, तो कॉटन के अंदर ये भी क्या है, एक बॉलवर्म के रूप में लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, अमेरिकन बॉलवर्म। ठीक है, तो अमेरिकन बॉलवर्म की बात करें तो इसका मतलब भी क्या है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा की बात हो रही है। फिर है वाइट ग्रब हैज़ वन जनरेशन इन अ ईयर, कि व्हाइट ग्रब की एक साल के अंदर केवल एक जनरेशन पाई जाती है, तो ये ट्रू है, बिल्कुल एक ही जनरेशन पाई जाती है। फिर है मेज स्टेम बोरर हाइबरनेट इन प्यूपल स्टेज, कि मेज का जो स्टेम बोरर है वो प्यूपल अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में रहता है, तो ये क्या है भी, फॉल्स है, क्योंकि ये प्यूपल स्टेज में नहीं रह के जो कैटरपिलर स्टेज जो होती है या फिर लार्वल हम बोले, तो लार्वा अवस्था जो होती है उसके अंदर क्या रहता है, ये हाइबरनेट में या फिर सुसुप्त अवस्था में रहता है। फिर नेक्स्ट देखिए, लास्ट बच गया एक, इररेगुलर होल्स ऑन कुकुरबिट लीव्स आर डैमेज सिम्टम ऑफ रेड पम्पकिन बीटल। अब यहाँ पे देखिए इररेगुलर होल्स की बात हो रही है, और किसके ऊपर हो रही है, कुकुरबिट्स लीव पे। ऐसा ही सेम क्वेश्चन ऊपर आया था जिसमें यह दिया गया था कि कैबेज के अंदर होल्स जो होते हैं, माइनिंग बनती है, वो किस वजह से बनती है, तो यहाँ पे कुकुरबिट्स की बात हो रही है, और पेस्ट भी किसका दे रखा है, कुकुरबिट्स का, रेड पम्पकिन बीटल, है ना, तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है भाई, इसी से होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो ए पार्ट जो आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसके अंदर आपके 10 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, और 10 ऑब्जेक्टिव और 10 ही ट्रू फॉल्स आते हैं वो। तो देख लीजिए भाई, न्यू टाइप जो है आपकी थोड़ी सी हार्ड रहती है। उसका रीज़न क्या है कि हमें इनके साइंटिफिक नेम, फैमिली ऑर्डर वगैरह पता नहीं होता है, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास जब ली थी उस समय आपको एक बात बोली थी कि आप हर पेस्ट का कॉमन नेम, उसका साइंटिफिक नेम, फैमिली ऑर्डर, डैमेजिंग स्टेज, इसके अलावा कुछ है तो वो आप लिख के रखना, तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है याद करने में। ओके, चलिए बात करेंगे आपका जो सेकंड पार्ट जो आता है 70 मार्क्स का उसकी। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है हनी ड्यू। अब इसके अंदर लिखा हुआ है, सिर्फ हनी ड्यू लिखा हुआ है, आपको बताना है कि हनी ड्यू होता क्या है। ठीक है, हनी ड्यू क्या है, हनी ड्यू का मतलब क्या है, तो देखिए हनी ड्यू क्या है, हेमिप्टेरा ऑर्डर जो होता है, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, हेमिप्टेरा जो ऑर्डर है, इसके जितने भी पेस्ट हैं मोस्टली ये क्या होते हैं, सकिंग पेस्ट होते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप लिख लेना, भी मैंने बता रखी है बहुत बार, उसमें क्लास में डिस्कस करते टाइम, मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर जिसमें क्या है, मेनली सकिंग पेस्ट आते हैं, ये क्या करते हैं, जब पत्तियों से रस चूसते हैं, ठीक है, पत्तियों से रस चूसते हैं, उस समय क्या है, ये अपनी जो ग्रंथियां होती है उनसे क्या है, एक चिपचिपे पदार्थ का स्राव करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हनी ड्यू। और इसकी वजह से क्या होता है, उस प्लांट के ऊपर, उन लीव्स के ऊपर क्या उतर जाता है, शूटी मोल्ड, ब्लैक क्या है, शूटी मोल्ड लग जाता है, फंगस लग जाती है, शूटी मोल्ड फंगस लग जाती है, जिससे क्या है, ब्लैकनिंग ऑफ लीव्स हो जाती है, लीफ क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, काली काली नज़र आती है, पाउडर सा जम जाता है उसके ऊपर, तो ये क्या है, हनी ड्यू होता है। आपको बताना है हनी ड्यू होता क्या है। फिर है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, तो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, कि जो पोसी पादप है, ठीक है, पोसी पादप का मतलब क्या है, अब देखिए जैसे कॉटन वाइट फ्लाई की बात करूँ, तो वाइट फ्लाई के लिए कॉटन क्या हो जाएगा, होस्ट प्लांट है उसका, जिससे उसको, वो उस पर डिपेंड रहती है, जिस पर डिपेंड रहती है वो क्या है, होस्ट प्लांट है। तो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस की बात हो रही है, यानी कि उस प्लांट की रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है कि हम मेनली बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, या फिर जनरली क्या है, प्लांट के अंदर ऐसे गुण होते हैं कि वो उस पर लगने वाला पेस्ट या उसको नुकसान पहुंचाने वाला पेस्ट है जो उससे अपनी सुरक्षा करता है, अपने आप को बचाता है, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। अब ये किन किन कारणों से हो सकता है, हो सकता है कि वो जो प्लांट की वेराइटी है ना, कि उसकी वो जो वैरायटी है, एक स्पेसिफिक वैरायटी जिसके ऊपर क्या होता है,
उस पेस्ट का डैमेज ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन के अंदर क्या होता है, जितने भी बॉलवर्म्स लगते हैं इनका अटैक कम होता है, ठीक है, बॉलवर्म का अटैक कम होता है। तो बॉलवर्म्स के लिए क्या हो गया, बीटी कॉटन जो है इन बॉलवर्म्स के लिए क्या है, रेजिस्टेंट का काम करता है, तो ये होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस होगी इसके खिलाफ। ऐसे ही क्या है, कुछ लीव्स ऐसी होती है, कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं जिनकी, मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है, तो इस लीफ के ऊपर यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे ऐसे इस प्रकार क्या है, स्पाइंस पाए जाते हैं, ठीक है, कांटे पाए जाते हैं। इससे क्या होगा, जो रस चूसने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इनके अंदर अपनी प्रोबोसिस यानी कि अपनी सूंड जो है वो यहाँ पे चुबा के उनकी रस चूसने की कोशिश करते हैं। तो इन स्पाइंस की वजह से क्या है, वो ऐसा नहीं कर पाते, तो ये भी क्या है, एक रेजिस्टेंस का पार्ट हो गया। ऐसे ही अगर कोई इंसेक्ट यहाँ पे ओविपोजिटर को इंजेक्ट करके और एगलेइंग करने का काम करता है, तो इस वजह से वो नहीं कर पाता, तो ये भी क्या है, एक होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस है। तो कहने का मतलब, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस में सीधी सीधी बात है कि किसी प्लांट द्वारा उसके ऊपर लगने वाले इंसेक्ट या पेस्ट जो है उसको नुकसान पहुंचाता है, उससे खुद को बचाव करना, खुद का बचाव करना, ठीक है, या फिर उसको दूर भगाना, रिपेलेंट करना उसको, वो क्या कहलाता है, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस कहलाता है। या फिर आप कह सकते हो कि ये पोषी पादप का एक गुण है जो क्या है, उसके ऊपर लगने वाले पेस्ट जो है उनसे उसकी सुरक्षा करता है। फिर है क्वालिटेटिव लॉस, गुणवत्ता क्षति। अब दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक तो होते हैं क्वांटिटेटिव लॉस और एक होता है क्वालिटेटिव लॉस, ठीक है, एक तो होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। अब क्या डिफरेंस होता है देख लीजिए, क्वांटिटेटिव को बोलते हैं मात्रात्मक, हिंदी में बात करें तो मात्रात्मक, और इसको बोलते हैं गुणात्मक, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि मात्रात्मक क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, क्वांटिटी का मतलब हमें सीधा सीधा पता है कि यानी कि किसी संख्या की बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है। जब इसका मैं एक एग्जांपल बता दूं, जितने भी बोरर पेस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो ग्रेन्स को मेनली फीड करते हैं, तो ये क्या है, ग्रेन्स को जब खा जाएंगे या फिर ग्रेन्स का अंदर का जो पार्ट खा जाएंगे, उसका जो लास्ट में उपज जो होगी, उपज में भारी गिरावट आती है, तो उसको क्या बोलते थे, क्वांटिटेटिव लॉस, यानी कि क्वांटिटी कम हुई है। जहाँ 20 क्विंटल पर हेक्टेयर होना था, वहाँ पे 15 क्विंटल पर हेक्टेयर हो रहा है, इसका मतलब 5 क्विंटल पर हेक्टेयर की हमें क्या है, उसकी मात्रा में कमी आई है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव लॉस। क्वालिटेटिव लॉस का मतलब क्या होता है कि उसकी क्वालिटी जो है ना, उस स्पेसिफिक क्रॉप की क्वालिटी जो है वो किसी पेस्ट द्वारा कम कर दी जाती है। जैसे अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, रेड कॉटन बग एक पेस्ट है, ठीक है, रेड कॉटन बग, तो ये क्या करता है, जो कॉटन जो होता है, कॉटन का फ्लोवर जो होता है उसके अंदर रहता है, रेशों के अंदर रहता है, ठीक है, तो इसकी क्या होता है कि लार्वल जो स्टेज वगैरह होती है इसके अंदर छिपी हुई रहती है, उसका पता नहीं चलता। और जब ये फैक्ट्रीज वगैरह में क्या होता है, जब उसके साथ इसको फैक्ट्रीज में जब उसको सही किया जाता है, रेशा अलग किया जाता है, तो उस समय ये क्या है, उसके साथ क्रश हो जाता है, उससे क्या हो जाता है कि वो रेशा जो है वो रेड कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उस रेशा जहाँ वाइट होना था उसका कलर चेंज हो गया, उसकी क्वालिटी कम हो गई, तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव लॉस, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। फिर नेक्स्ट है देखिए फिरोमोन ट्रैप, ठीक है, नेक्स्ट है फिरोमोन ट्रैप। तो फिरोमोन ट्रैप क्या होता है कि ये मेनली अगर बात करें तो लिखना आपको सबसे फर्स्ट लाइन लिखनी है कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जो पेस्ट हैं, ठीक है, उनके लिए मेनली यूज किए लिए जाते हैं। तो फिरोमोन्स क्या होते हैं कि ये नेचुरली फीमेल्स जो होती है, एक मेल और फीमेल दो होते हैं, किसी भी पेस्ट की बात करें तो उसकी जो फीमेल्स होती है उसके द्वारा क्या है, एक केमिकल का सीक्रेट किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, फिरोमोन बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उस फिरोमोन की वजह से जो इंसेक्ट है, मेल इंसेक्ट जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ट्रैप में हम क्या करते हैं, जो सिंथेसाइज्ड होते हैं यानी कि मार्केट से हम कुछ सिंथेसाइज्ड फिरोमोन ट्रैप लेके आते हैं, इनके अंदर वो वैसा ही ल्यूर रहता है, ठीक है, यानी कि ऐसा वो जो लिक्विड रहता है जिसकी खुशबू से क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। तो हम क्या है, जब इसको फील्ड में लगाते हैं
तो जितने भी मेल इंसेक्ट्स होंगे वो पेस्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे तो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, हम इनको कलेक्ट करके क्या है वहाँ पे किल कर सकते हैं। इससे क्या है उनकी जनरेशन जो आगे बढ़ने वाली है उसको इनडायरेक्टली हम क्या रोक सकते हैं, और डायरेक्टली उस पेस्ट द्वारा जो लॉस हो रहा है उसको भी हम कम कर सकते हैं। फिर है पेस्ट, नॉर्मल सी डेफिनेशन पूछी है कि पेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो पेस्ट क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट, एक मिनट भी दैट नहीं, हु कॉज इकोनॉमिक लॉस, इज कॉल्ड पेस्ट। यानी कि कोई भी पेस्ट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवित जीव जो हमें ह्यूमन बीइंग को क्या करता है इकोनॉमिक लॉस या फिर आर्थिक क्षति पहुंचाता है वो क्या होता है, पेस्ट होता है। इवन खुद मनुष्य जो है हम भी एक पेस्ट हैं अगर हम किसी क्रॉप में नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो एनिमल्स हो गए, है ना, कुछ एनिमल्स होते हैं जो फील्ड में लॉस करते हैं तो वो भी पेस्ट है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमें आर्थिक क्षति पहुंचाता है वो सारे क्या है, पेस्ट हैं। इसमें एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो नीलगाय लिख सकते हो, है ना, हिरण हो गई, इसके अलावा इंसेक्ट तो है ही हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। फिर है रिपेलेंट, रिपेलेंट क्या होते हैं, रिपेलेंट आपने सेकेंड ईयर के कोर्स में पढ़ा होगा, रिपेलेंट क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर पेस्ट को उस जगह से दूर भगाने का काम करते हैं। रिपेलेंट का मतलब क्या होता है, दूर भगाना, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए किसी लीफ के ऊपर अगर स्पाइंस हैं, है ना, कांटे निकले हुए होते हैं, तो उसके ऊपर जो सकिंग पेस्ट है वो अटैक नहीं करते, तो वो क्या करते हैं उनको दूर भगाने का काम करते हैं। ऐसे ही क्या होता है, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू की वजह से या उस प्लांट के अंदर ऐसी खुशबू, ऐसी ऑडर होती है जिसकी वजह से वो इंसेक्ट दूर भागता है उससे, तो वो भी रिपेलेंट हो गया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो मेनली फ्रूट फ्लाई के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंगो में फ्रूट फ्लाई, मैंगो की ज़रूरी नहीं है, कहीं भी बगीचों में फ्रूट फ्लाई से डैमेज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि मिथाइल यूजिनोल, तो इस मिथाइल यूजिनोल का केमिकल जो है इसको डिप करके किसी कॉटन के अंदर और लकड़ी के साथ हम क्या है फील्ड में बांध देते हैं, तो इसकी जो स्मेल है उस स्मेल की वजह से ये जो फ्रूट फ्लाई है ये दूर भागती है उस पर्टिकुलर प्लांट से, उस पर्टिकुलर ऑर्चार्ड से, ठीक है। तो ये क्या है, मिथाइल यूजिनोल एज ए रिपेलेंट काम करता है पेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं रिपेलेंट जो दूर भगाने का काम करते हैं। फिर है लाइट ट्रैप, जैसे फेरोमोन ट्रैप है वैसे ही लाइट ट्रैप है। लाइट ट्रैप क्या है, एक ऐसा उपकरण है जिसमें रात के समय, ठीक है, जिसमें लाइट की तरफ अट्रैक्ट होने वाले या नॉक्टुइडी फैमिली के जो इंसेक्ट्स हैं, मेनली पेस्ट हैं, जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। एग्जांपल में लिख लेना आप हेलिकोर्प आर्मीजरा लिख देना, है ना, या ग्राम कटवर्म हो गया, जो भी है। तो ये क्या करते हैं, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये एक ट्रैप होता है जिसमें क्या है, ऐसा उपकरण है जिसके अंदर हम केमिकल भर के रखते हैं या फिर नॉर्मली उसको कैच करने के लिए, एक जो है आपको यहाँ लैब में कभी आओगे तब दिखाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार का यहाँ पे क्या होता है, इस अंदर की तरफ यहाँ पे एक बल्ब लगा रहता है, ठीक है, इसकी तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और इनको नीचे किसी जो है बर्तन में, इसके नीचे लगा रहता है एक बकेट टाइप, उसके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, बाद में इनको आसानी से किल कर सकते हैं। तो लाइट की तरफ अट्रैक्ट यानी कि लाइट लवर जो इंसेक्ट होते हैं या रात के समय जो अटैक करते हैं उनको पकड़ने के लिए काम में लिए जाने वाला उपकरण है जिसको रात में फील्ड में लगा के और इसकी लाइट की तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं तो इनको हम पकड़ के और आसानी से किल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लाइट ट्रैप। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आईपीएम, ठीक है। आईपीएम क्या है, तो सब आईपीएम की डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी है पहले, आपने देखा होगा पिछली क्लास में हमने अच्छी तरीके से इस पर डिस्कस किया था, अच्छे से कोर्स लगा था, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन पूछी है। तो आईपीएम में क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट,
इंसेक्ट को किल करने के लिए, ठीक है, इंसेक्ट के द्वारा होने वाली, या फिर बात करें किसी भी इंसेक्ट पेस्ट द्वारा होने वाली जो क्षति है उसको, उसके लिए काम में आने वाली जितनी भी जो क्या है टूल्स हैं, जैसे मैकेनिकल कंट्रोल हो गया, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया, ठीक है, ऐसे ही फिजिकल कंट्रोल हो गया, केमिकल बायोलॉजिकल जो भी है ना, उन सारे जितने भी, यानी कि इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए उसको ETL या आर्थिक क्षति लेवल से कम स्तर पर लेके आने के लिए जितने भी जो है टूल्स काम में लिए जाते हैं, उन सभी को एक ऐसे व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना, एक ऐसे व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना कि उसमें इकोनॉमिकल लॉस जो है, सॉरी इकोलॉजिकल, या बात करें इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल क्षति जो है, यानी कि वातावरण को क्षति कम से कम हो, प्लस क्या है हमें उपज पूरी मिले, है ना, तो इस प्रकार से यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो वो क्या होना चाहिए, चीप होना चाहिए। चीप का मतलब क्या है, सस्ते मेथड होना चाहिए जिससे क्या है हम आसानी से इनको कंट्रोल भी कर सकें, इकोनॉमिक लॉस भी ना हो, प्लस क्या है जो बेनिफिशियल इंसेक्ट फील्ड के अंदर मौजूद हैं उनको भी कोई क्षति नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं IPM या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट है लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, LWO, सीधा LWO दे के कई बार इसकी वो पूछ लेते हैं फुल फॉर्म। तो लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन ये इस्टेब्लाइज हुआ था 1939 में और हेडक्वार्टर है इसका जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। होता क्या है ये काम करता है कि जितने भी लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि लोकस्ट TD, लोकस्ट का मतलब क्या, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए TD है ना, तो TD को कंट्रोल करने का काम करता है। सिर्फ कंट्रोल नहीं है, TD के ऊपर पूरी निगरानी रखते हैं, उसके सर्वे सर्विलेंस का ध्यान देते हैं, प्लस उसका जो है फोरकास्टिंग करते हैं, पूर्वानुमान करते हैं, और अगर TD का अटैक हो जाए तो उसको किस प्रकार मैनेज करना है, उसको आगे बढ़ने से रोकना, या कहने का मतलब TD से रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा कौन देखता है, ये ऑर्गेनाइजेशन देखता है। इसको बनाया गया था 1939 में, तब ये अलग था, बाद में जब 1946 में DPPQS बना था उस समय इसको इसके अंदर मर्ज कर दिया गया था। DPPQS का मतलब क्या, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, और ये है कहाँ पे, ये है फरीदाबाद में। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार, फरीदाबाद हरियाणा में 1946 में बना था, ध्यान रखना भी। फिर है हॉटस्पॉट, अब ये गर्म स्थान का मतलब, ये गर्म स्थान नहीं है भी जहाँ गर्मी हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, कोई भी जगह जहाँ पे क्या है इंसेक्ट एक साथ बहुत मात्रा में रखते हैं, या फिर वो जगह या वो चीज़ जिसकी वजह से इंसेक्ट इमर्ज होते हैं एक साथ, है ना, उसको क्या बोलते हैं हॉटस्पॉट। किसी जगह जैसे हम अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट देखा होगा, यानी कि जिसकी सहायता से हमें इंटरनेट प्रोवाइड होता है ना कनेक्ट करने के लिए, वैसे ही क्या है ये एक ऐसा स्थान है जहाँ इंसेक्ट क्या है एक साथ रहते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वो एक साथ उस जगह से जहाँ पे एक साथ रहते हैं बहुत अधिक संख्या में, या फिर जो इनके लिए सुटेबल स्थान होता है जहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हॉटस्पॉट बोलते हैं, या जहाँ ये ज़्यादा क्षति करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हॉटस्पॉट। फिर है इकोनॉमिकल इंजरी लेवल, यानी कि EIL की बात हो रही है, ठीक है, इकोनॉमिकल इंजरी लेवल। एक होता है इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल, दोनों चीज़ें एक साथ समझेंगे। देखिए इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है कि वो स्तर किसी भी पेस्ट की संख्या का, वो स्तर जहाँ पे हमें कंट्रोल मेजर सप्लाई करने चाहिए, कंट्रोल मेजर शुड बी अप्लाई, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमें उनका कंट्रोल करना ही चाहिए। अगर हम यहाँ पे, यानी कि ये वो स्तर है जहाँ तक हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसको नंबर्स में मापा जाता है। जैसे मैं बात करूँ कॉटन के अंदर, तो कॉटन के अंदर ETL लेवल क्या होता है, 5 से 10 निम्फ पर लीफ, ठीक है, यानी कि 5 से 10 निम्फ आप करो अगर पर लीफ दिखाई दे कॉटन के अंदर, तो हमें उसके अंदर स्प्रे वगैरह कुछ करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो क्या होंगे, वो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और वो पहुंच जाएंगे EIL पे, है ना, इकोनॉमिकल इंजरी लेवल। तो इकोनॉमिकल इंजरी लेवल क्या होता है, किसी भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन का वो लेवल है जहाँ हमें क्या होता है इकोनॉमिकल लॉस स्टार्ट हो जाता है, इकोनॉमिकल लॉस स्टार्ट हो जाता है।
इस समय हम अगर इनका मैनेजमेंट भी करते हैं तब भी हमें क्या है, कुछ न कुछ क्षति है, कुछ लेवल तक हमें नुकसान वो होता ही होता है, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिकल लॉस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, आर्थिक क्षति होना स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल इंजरी लेवल। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बायो पेस्टिसाइड। बायो पेस्टिसाइड जैव पीड़कनाशी, जैसा कि बायो का मतलब क्या होता है, कोई भी जीवित जो जीव है जैव है ना, तो बायो पेस्टिसाइड क्या होता है, ये क्या होता है, प्लांट्स या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनसे जो तैयार किया जाने वाला पेस्टिसाइड है उसको क्या बोलते हैं, बायो पेस्टिसाइड। जैसे एग्जांपल के तौर पे नीम से एजेडिरेक्टिन निकलता है ना, एजेडिरेक्टिन, तो इसको एज ए पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है मेनली किसके लिए, लोकस्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें मेनली जो है माइक्रोब्स आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटोड, प्रोटोजोआ एट्सेट्रा, ठीक है, इन सबको क्या है, इनको या फिर इनके बाय प्रोडक्ट को यूज़ करना एज ए पेस्टिसाइड क्या कहलाता है, बायो पेस्टिसाइड कहलाता है। बैक्टीरिया में अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे बीटी था, बेसिलस थ्यूरिजेंसिस बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। वायरस में एनपीवी हो गया, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रेसिस वायरस जो होता है, या सीपीवी, साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रेसिस वायरस है, इनको यूज़ किया जाता है। निमेटोड मेनली क्या है, रैबिडिटिडी फैमिली के निमेटोड्स होते हैं, प्रोटोजोआ आदि, इनको क्या है यूज़ करना, इनको डायरेक्ट या फिर इनके बाई प्रोडक्ट, इनके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इनके, उनको एज ए पेस्टिसाइड यूज़ करना किसी कीट को मारने के लिए क्या कहलाता है, बायो पेस्टिसाइड। फिर है ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप या इसको कई बार हिंदी में दे देते हैं फांसू फसलें, ऐसा कुछ लिखा होता है, फांसू फसलें, पर आप इतना ध्यान में रखना इसको ट्रैप क्रॉप याद रखना। ट्रैप क्रॉप में क्या होता है, हमारी जो मेन क्रॉप होती है उस क्रॉप को बचाने के लिए हम उसकी बॉर्डर पर चारों तरफ क्या करते हैं, उसी सेम फैमिली की कोई और क्रॉप लगा देते हैं ताकि उससे बचा जा सके। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं जो कॉटन की है ना, कॉटन की अगर हमने सोइंग कर रखी है तो हम क्या करेंगे, इस फील्ड के चारों तरफ जो भिंडी जो होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, चारों तरफ हम भिंडी की क्रॉप लगा देंगे। इससे क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ओकरा भी क्या है, मालवेसी फैमिली की है, और कॉटन भी क्या है, मालवेसी फैमिली का है, ठीक है, दोनों की फैमिली सेम है, तो इनके ऊपर जो लगने वाले पेस्ट हैं वो भी क्या है, लगभग सेम होते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, कॉटन हमारा बीच में रह जाएगा। अगर यहाँ पे हमने एक या दो रो बाहर चारों तरफ अगर कॉटन इसकी ओकरा की लगा दी, तो सबसे पहले पेस्ट का जो डैमेज होगा वो इन प्लांट्स पे होगा, बाहर वालों पर, ठीक है। इन प्लांट्स पे जब डैमेज होगा, इनको क्षति हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट केमिकल का स्प्रे करके इनको किल कर सकते हैं, या फिर इनको यहाँ से हटा के भी क्या कर सकते हैं, इनको इनकी स्टेज जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो उस समय इनको हम किल कर सकते हैं या इनको हटा देते हैं वहाँ से, तो हमारी कॉटन की जो क्रॉप है वो क्या है, सुरक्षित रह जाती है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रैप क्रॉप। इसके बाद नेक्स्ट देखिए भी, फिर है जो आपके चार चार नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करेंगे। इनका भाई मैं आपको जनरल बताऊंगा, बाकी मैंने करवा रखा है अच्छे से, इनको पढ़ लेना भाई, है ना, कोई चीज़ नहीं करवाई होगी तो उसके बारे में देख लेंगे। सबसे पहले है राइट डाउन द नेचर ऑफ डैमेज एंड मैनेजमेंट ऑफ रोज एफिड। रोज एफिड का क्या है, मैनेजमेंट आपको बताना है, और ये बताना है कि उसका नेचर ऑफ डैमेज क्या है, ठीक है, तो ये आप देख लेना, अभी मैंने भी करवा दिया, बुक में भी दिया हुआ है अच्छे से। फिर है राइट डाउन द मैनेजमेंट ऑफ मैंगो होपर। मैंगो होपर का मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो बताना है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ टर्माइट। टर्माइट की जीवन अवस्थाएं बतानी है, कौन कौन सी होती है, मेनली क्या होती है, तीन होती है ना, एग, निम्फ और एडल्ट। लेकिन इसमें क्या होता है, निम्फ में भी फिर वो विंग्ड, विंगलेस अलग अलग होती है, विंगलेस कौन सी होती हैं, फीमेल्स होती हैं या जो भी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है,
विंग्ड हो गया, विंगलेस हो गया, इसके आधार पे भी इनको बांटा जाता है। प्लस निम्फ क्या होता है, इसमें कुछ जो होते हैं इसकी कैटेगरीज भी अलग अलग बांटी गई है, क्योंकि टर्माइट में हमने देखा है कि क्या होता है, शोल्डर होता है, सॉरी सोल्जर होता है, किंग होता है, क्वीन होती है ना, वर्कर्स होते हैं। तो इस आधार पे इसके जीवन में क्या क्या चीज़ें होती है, लाइफ साइकिल के अंदर कैसा इसका लाइफ साइकिल होता है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर है डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में बताना है। सबसे पहले फिजिकल क्या करते हैं, है ना, उसके बाद कल्चरल क्या करते हैं, उसके अलावा अगर कोई बायोलॉजिकल है तो वो क्या करते हैं ना, इन सबको बताना है। लास्ट में केमिकल नियंत्रण क्या होता है, तो पूरा उसका कंप्लीट मैनेजमेंट के बारे में बताना है। फिर है राइट ए शॉर्ट नोट और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन कॉटन, कॉटन के अंदर IPM के बारे में आपको बताना है। ये भी शायद हमने करवाया नहीं है ना, ये मैं करवा दूंगा, ये मैं नेक्स्ट क्लास जब होगी उसके अंदर करवा दूंगा ये, क्योंकि ये आपका इसकी PDF भी भेज दूंगा, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में भी मैंने दिया है ना, तो इसकी PDF मैं भेज दूंगा, उसमें से कर लेना भी। फिर है राइट डाउन द मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिली थ्रिप्स एंड मेज स्टेम्बोरर, चिली का थ्रिप्स जो है प्लस मेज का जो स्टेम्बोरर है, इनका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन बताना, यानी कि इनको, इनकी बॉडी जो है, इनके विंग्स जो हैं, इनका कलर जो है, किस आधार पे हम इनको पहचान सकते हैं वो बताना है। फिर राइट दी मैनेजमेंट ऑफ मैंगो मिली बग, मैंगो मिली बग का मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो बताना है, ठीक है, मैंगो मिली बग का कैसे कैसे मैनेजमेंट करेंगे, जो ट्री ट्री के क्या करते हैं, बेंडिंग जो करते हैं ना वो सब, तो इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं मैनेजमेंट की, उन सब के बारे में बताना है। फिर है राइट डाउन द नेचर ऑफ डैमेज एंड मैनेजमेंट ऑफ अनार बटरफ्लाई, मिरेकल आइसोक्रेटस अनार बटरफ्लाई जो है उसका डैमेजिंग नेचर आपको बताना है, प्लस क्या बताना है उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे, अब जिस पेस्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट है उसको मत भूलना भी, है ना, जैसे इसके अंदर हमने बात की थी बैगिंग की, है ना, तो ये ध्यान रखना फ्रूट की बैगिंग करते हैं ताकि नुकसान नहीं हो। फिर है ये बड़े क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राइट डाउन द 5 इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ स्टोर ग्रेन्स, यानी कि भंडार गृह में लगने वाले 5 प्रमुख जो है नासी कीटों का आपका क्या लिखना है, साइंटिफिक नेम लिखना है। राइट डाउन दी 5 इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट स्टोर्ड ग्रेन विद देयर साइंटिफिक नेम, उनका साइंटिफिक नेम लिखना है। डिस्क्राइब दी, अब यहाँ पे देखना इसने साइंटिफिक नेम का बोला है तो आप क्या करना है, इसका कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली और ऑर्डर, चारों चीज़ें लिखना, वो ज़्यादा क्या है जो अट्रैक्ट करता है। फिर है डिस्क्राइब दी नेचर ऑफ डैमेज एंड लाइफ साइकिल ऑफ राइस वीगल, अब इसने कह दिया कि आपको नेचर ऑफ डैमेज और लाइफ साइकिल बताना है राइस वीगल का, ठीक है। इसके अलावा फिर एंड कंट्रोल मेजर्स टू बी अडोप्टेड फॉर सेफ स्टोरेज, और क्या क्या जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जो भंडार गृह में लगने वाले जो इंसेक्ट हैं उनकी, उनको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो इसमें लेकिन मेनली इसमें क्या बताना है, हमें राइस वीविल का बताना है कि उसका नेचर ऑफ डैमेज क्या है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, और उससे कैसे कैसे हम बच सकते हैं, कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स अगर हम अपनाएं तो क्या है, राइस से, राइस के जो लगने वाला पेस्ट है उससे हम बच सकते हैं, ठीक है, राइस वी विल। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिर है डिस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन मार्क नेचर ऑफ डैमेज लाइफ साइकिल एंड मैनेजमेंट ऑफ कैबेज कैटरपिलर एंड पेंटेड बग, कैबेज का कैटरपिलर और मस्टर्ड का पेंटेड बग जो है ये कैसे डैमेज करते हैं उनके बारे में बताना है, आपके इनके पहचान के लक्षण, उसकी क्षति की प्रकृति, उसका जीवन चक्र और उसका प्रबंधन, ये सब बताना है। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ डैमेज लाइफ साइकिल एंड मैनेजमेंट ऑफ बेयर फ्रूट फ्लाई, ये सेम चीज़ें आपको किसी की बतानी है, बेयर फ्रूट फ्लाई की और बार्क ईटिंग कैटरपिलर इंडरबेला क्वाडिनोटेटा, यानी कि ये जो पेस्ट हैं इनके बारे में आपको ये सब बताना है। ध्यान रखना ऐसे बड़े क्वेश्चन आएंगे भी, तो इसको अच्छे से देख लेना पेपर को, और कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना भी अच्छे से, है ना। सॉरी, ओके, थैंक यू। बाकी एक जो आपका बचा हुआ है कॉटन का IPM, वो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास, है ना, उसकी PDF भी मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम के चैनल के अंदर। ओके, धन्यवाद।